हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो गाइस, काफ़ी सारे बंदे कह रहे थे कमेंट पे, जो कि मेरा पिछला व्हाट्सअप रिलेटेड जो वीडियो सब था उस पर, तो कह रहे थे जो iOS व्हाट्सअप का अपडेटेड वर्सन या कुछ न्यू फीचर्स लाओ, या आपको अगर अपना व्हाट्सअप जो है आपका नॉर्मल व्हाट्सअप, उसे अगर आप iOS व्हाट्सअप पे कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा और आप सही वीडियो पे क्लिक किए हो। तो यहाँ पर गाइस, जैसे कि मैं बता देता हूँ, अगर आपका फ़ोन एंड्रॉयड है उस पर आप ऑब्वियसली एंड्रॉयड व्हाट्सअप ही चला पाओगे, बट आपको मैं इस वीडियो पर दिखाऊँगा किस तरह आप कन्वर्ट कर सकते हैं iOS व्हाट्सअप पर। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ कर दो, और अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो वो भी कर दो। इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करना, आपसे रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पर ज़रूर मुझे फॉलो कर लीजिए। तो चलिए गाइज, आज का जो वीडियो है इसे स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट गाइज, सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर अपना पुराना वाला व्हाट्सअप जो आप अभी एंड्रॉयड फ़ोन में चला रहे हो या जो भी आपका व्हाट्सअप है उसे ओपन करना होगा। देन थ्री डॉट पर क्लिक करना होगा, सेटिंग पर जाना होगा, चैट पे जाना होगा, और यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करने के बाद चैट बैकअप, या आपको जहाँ पर भी चैट बैकअप देखने को मिलता है आपको बैकअप ले लेना होगा। फिर आपको मिनिमाइज करके इससे अनइंस्टॉल कर देना होगा। यहाँ पर अनइंस्टॉल पर क्लिक करने से वो अनइंस्टॉल हो जाता है। ऑल राइट, अनइंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, जैसे कि आपको वेबसाइट पे रहेगा तो आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो डाउनलोड करने के बाद आपको उसे इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको वो व्हाट्सअप पूरा सेफ एंड सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको उसे डाउनलोड करना होगा, देन ओपन करना होगा, और यहाँ पर आपको एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा, अपना नंबर टाइप करना होगा, नेक्स्ट करना होगा, देन आपका OTP आएगा, फिर से आपको नेक्स्ट कर देना होगा। और अगर आपको स्किप एंड रिस्टोर का ऑप्शन आता है तो आपको क्या करना होगा, रिस्टोर पे क्लिक करना होगा। और अगर आप रिस्टोर पे क्लिक करते हो तो आपका चैट फाउंड कर लेता है और आपका चैट कोई भी डिलीट नहीं होता है। और आपको उसके बाद इस तरह व्हाट्सअप को ओपन करना होगा, और आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिलता है। जो कि अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे इस पर फैसिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, यहाँ पर एरोप्लेन मोड है, आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर डार्क मोड है और यहाँ पर सर्च का आइकन है। तो एरोप्लेन मोड यानी कि DND मोड, डू नॉट डिस्टर्ब मोड, अगर आप ऑन कर देते हो तो आपको कोई भी मैसेज नहीं आएगा। अगर आप ऑफ करते हो तब वो सब मैसेज जो बंदा सब किया होगा तब वो आपके फ़ोन पे एंटर करेगा। अब यहाँ पर गाइस आपको क्या करना होगा, थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा। काफ़ी सारे यहाँ पर सेटिंग्स मिलते हैं, मैसेज बाय नंबर, अगर आपको किसी का नंबर सेव नहीं करने की ज़रूरत है आपको क्या करना होगा, 91 टाइप करना होगा, जिस भी कंट्री का कंट्री कोड है उसे स्टार्टिंग पर टाइप करना होगा। देन आपको अपना जो भी नंबर है जिस टाइप का भी है आपको अपना टाइप कर देना होगा, और यहाँ पर हाई मैसेज टाइप कर दें या कुछ भी आप टाइप करके सेंड करने से उस नंबर पे चले जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह आप अपने फ़ोन को जो आपका वो एंड्रॉयड व्हाट्सअप है उसे आप iOS पे किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थ्री डॉट पे क्लिक करना होगा आपको, अदरवाइज़ आप अगर इस यहाँ पर क्लिक करते हो, जैसे कि अगर आप जो एरोप्लेन मोड है और जो चैट है उसके बीच पे जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक एरिया पे क्लिक करते हो तो आपको इस तरह प्रोफाइल देखने को मिल जाते हैं, आपको ये QR कोड ये सब भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं स्विच अकाउंट, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ देखने को मिलता है। तो मैं जैसे कि थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, मेनू पे जाता हूँ, डिया मोड्स पे जाता हूँ, नो थैंक्स करना है आपको। और यहाँ पर गाइज आपको जैसे कि काफ़ी सारे सेटिंग्स मिलते हैं, तो आपको यहाँ पर थीम्स पे जाना होगा, थीम्स पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लोड थीम पे जाना होगा। और गाइज आपको थीम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जैसे कि आपको वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना होगा व्हाट्सअप एंड थीम दोनों को ही। अब यहाँ पर आप जो भी फोल्डर पे रखे हो, जैसे कि आप डाउनलोड किए हो तो ऑब्वियसली डाउनलोडेड फोल्डर पे आपका रहेगा। अब आपको अपना जो भी फोल्डर है उसे ओपन करना होगा, और यहाँ पर गाइज आपका जो यहाँ पर थीम है वो कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, जिसका नेम है iOS थीम बाय टेक्निकल सोहेल। अब आपको जस्ट उसके ऊपर क्लिक कर देना होगा, क्लिक करने के बाद इस तरह आपको बैक करना होगा, देन ओके करना होगा। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं आपका व्हाट्सअप iOS पे बदल चुका है और देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम एंड अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप किसी के बाजू पे ये वाला चलाओगे तो डेफिनेटली आपका फ़ोन अगर लुक सही है तो बोलेगा ये iPhone ही है। एनीवे, आप अगर इस तरह स्लाइड करते हो तो आप देख सकते हैं एक एनिमेशन देखने को मिलता है, जो कि आप देख सकते हैं इस तरह एनिमेशन देखने को मिलता है, इधर स्टेटस देखने को मिलता है, इजीली स्टेटस डाउनलोड भी कर सकते हो। अब यहाँ पर गाइस आपको चैट, यहाँ पर जैसे कि कॉल्स, कैमरा,
नीचे पे आप देख सकते हैं सेटिंग, सबसे बॉटम पर सेटिंग का इंटरफेस कुछ इस तरह है, पूरा आईफोन की तरह। अब यहाँ पर गाइज आपको जो ब्लैंक एरिया है वाइट कलर का, इधर इस क्लिक करने से इस तरह देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको अगर आप किसी के अंदर जाते हो, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसके अंदर जाता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा आईफोन के टाइप, आईफोन टाइप, कैमरा, गैलरी, डॉक्यूमेंट, लोकेशन, कॉन्टैक्ट एंड इधर iOS इमोजीज भी आपको मिलते हैं। इस पर यही एक फ़ायदा है, आपको इसके अंदर iOS इमोजी मिलते हैं, जो कि आप देख सकते हैं पूरा iOS इमोजी, पूरा सेम टू सेम iOS इमोजी। और यहाँ पर आपको ट्रांसलेटर ये सब भी मिलता है, और यहाँ पर iOS इमोजी काफ़ी सारे मिलते हैं। और यहाँ पर उसके बाद अगर आप बैक करते हो तो यहाँ पर अगर आप किसी का प्रोफाइल देखते हो तो इस तरह आपको देखने को मिलता है। अगर आप किसी का प्रोफाइल देखते हो तो आपको यहाँ पर आई का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर ये सब शो हो जाएगा। और अगर आप वीडियो कॉलिंग, मैसेज, चैट, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब यहाँ पर गाइस आपको जैसे कि आप इस सेटिंग पर क्लिक करते हो, मेन्यू पर जाते हो, डीओआर मोड्स पर जाते हो, और यहाँ पर आपको जाना है यूज़र इंटरफेस पर, और यहाँ पर आपको जाना है स्टाइल, लुक एंड फील, देन फॉन्ट। फॉन्ट पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फॉन्ट देखने को मिलते हैं, आपको जैसा फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह आप देख सकते हैं अपना व्हाट्सअप को iOS स्टाइल पे इस तरह बदल सकते हैं। आई होप गाइस आपको ये वाला वीडियो देख के पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दें, एक लाइक से आपका मतलब कुछ पैसा नहीं लगेगा बट मेरे को बहुत सारा मोटिवेट मिल जाएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हो तो बहुत सारा मोटिवेट मिलेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, और इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो करें।